नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी पर रिमार्क के बाद राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा हुआ, सदस्यता छीन ली गई, सरकारी आवास छीन लिया गया, 2 साल की सजा हुई। इस बीच कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी, राहुल गांधी के खिलाफ ये तमाम कार्रवाइयां भगौड़े नीरव मोदी और ललित मोदी को बचाने के लिए कर रहे हैं। इस बीच भगौड़े ललित मोदी की एक प्रतिक्रिया कांग्रेस के इस संदेह को और बल देती नजर आ रही है। ललित मोदी ने बीजेपी की भाषा में कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया है। ललित ने राहुल को पप्पू कहते हुए खुली धमकी दी है। भगौड़े ललित मोदी ने लंदन से कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ क्रमवार 3 ट्वीट में हमला किया है। अपने पहले ट्वीट में उसने लिखा, मैं देख रहा हूँ हर ऐरा गहरा और गांधी मुझे भगौड़ा कह रहा है, क्यों, कैसे, क्या, अब तक मुझे कभी इसके लिए दोषी ठहराया गया, जबकि इसके विपरीत पप्पू उर्फ गांधी को तो सजा भी सुना दी गई है। अब तो एक सामान्य नागरिक है वो, ये कैसे बोल सकते हैं। और ऐसा लगता है कि सभी विपक्षी नेताओं के पास करने के लिए और कुछ काम नहीं है, इसलिए वो भी या तो गलत जानकारी रखते हैं या सिर्फ बदले की भावना से मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, भगौड़े नीरव मोदी और ललित मोदी को प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त बताते हुए राहुल गांधी ने पूछा था, इन सभी चोरों का नाम मोदी ही क्यों है। राहुल के इसी बयान से बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी इतना आहत हुए कि उन्होंने राहुल के खिलाफ समूचे मोदी समाज की तरफ से आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पूरी प्रक्रिया के बीच कांग्रेस आरोप लगाती रही कि पीएम मोदी अपने भगोड़े मित्रों नीरव और ललित मोदी को बचाने के लिए राहुल के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब ललित मोदी ने लंदन से कांग्रेस और राहुल के खिलाफ यह ट्वीट करते हुए धमकी दी है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ लंदन कोर्ट में मुकदमा करेंगे। ललित की यही टिप्पणी कांग्रेस के संदेह को और मजबूत कर रही है कि ललित मोदी का संबंध प्रधानमंत्री मोदी से है। भगौड़े ललित ने आगे लिखा, भारत की जनता को बेवकूफ मत बनाओ, असली धूर्त और बदमाश कौन है सब जानते हैं। गांधी परिवार न हो गया मानो वो हमारे देश पर शासन करने के हकदार है, और हाँ, जैसे आप कड़े कानून पारित करेंगे मैं वैसे वापस आ जाऊंगा। बड़ी बात यह है कि ललित मोदी भारत सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं कि अभी तक भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बना जो उन्हें विदेश से वापस ला सके। हालांकि पीएम मोदी पिछले सालों से लगातार दावा करते आ रहे हैं कि वो न खाएंगे न किसी को खाने देंगे। पिछले 9 वर्षों से मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे बड़े तमाम भगोड़े विदेशों में मौज कर रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस पर बीजेपी की भाषा बोलते हुए ललित मोदी का ये ट्वीट सामने आया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या ललित मोदी खुद के बचाव में कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं या फिर बीजेपी के समर्थन में ऐसी बातें बोल रहे हैं? इस पूरे मामले पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं।